मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट. अब नाउ डिस्कस सेकेंड टिक द करेक्ट आंसर. मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट. क्या फॉर्म करेगी? फ्रूट फॉर्म करेगी. नेक्स्ट है ए स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट इज कौन हो सकता है बेटा? ब्रेड मोल्ड. नेक्स्ट ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव. ठीक है, हमने बताया था जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ये फर्टिलाइजेशन इसमें हो गया कि यहाँ पर जा कर के प्लांट्स के पॉलेंस आए और पॉलेंस ने किससे फ्यूज़ हुए? ओव्यूल से. और ओव्यूल से फ्यूज़ होने के बाद, इन फर्टिलाइजेशन के बाद, ये ओवरी पूरी किस में चेंज हो जाएगी? फ्रूट में चेंज हो जाएगी. ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन के लिए बेटा मैंने बताया था आपको कि जो हम बारिश के सीज़न में ब्रेड पर ग्रीन कलर के पैचेस देखते हैं इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है? ये फफूंदी के कारण होता है. ये फफूंदी जो होती है, ये जो होती है फफूंदी, क्या करती है कि ये इसके स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर पैक्ड रहते हैं इन फेवरेबल कंडीशन. बेटा ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करती है? ये स्पोर्स इसके बस्ट हो जाते हैं, और स्पोरेंजियम बस्ट हो करके सारे स्पोर्स इधर उधर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज, मतलब क्या हो जाता है? स्पोर फॉर्मेशन बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम में रिप्रोडक्शन बेटा कैसा होता है? एक लीव्स होती हैं, लीव्स पर बहुत सारी नोड्स होती हैं. ये नोड्स जो होती हैं, जहाँ जहाँ पर इससे डिटैच्ड होके गिरती हैं, वहीं नया प्लांट बन जाता है. ठीक है, तो ब्रायोफाइलम में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू है? लीव्स के थ्रू. सो इफ़ यू गॉट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट डाउन योर नेम इन कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू.